Hello friends, I hope you all are fine and first of all happy Diwali to you all and friends। जैसा कि हमें पता है कि बेन फाइनगोल्ड जो कि ग्रैंड मास्टर हैं वो कहते हैं ट्रिक्स आर फॉर किड्स। इस स्टेटमेंट को आज हम गलत प्रूफ करेंगे, राइट। और सेकेंडरी थिंग इज दैट पैटर्न ऑफ डिफेंस कैसे खेलते हैं लेग साइड से, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, राइट। सो मेरा नाम है सुचित और बिना समय को विलंब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गेम जो है टू स्ट्रॉन्ग टाइटल प्लेयर्स के इन बिटवीन प्ले की गई थी, राइट। ब्लैक साइड से खेल रहे हैं डोमिन क्यूरेज पेट्रेस एंड वाइट साइड से खेल रहे हैं मोरा दिया बादी। बड़े अजीब से नाम है इनके, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ रही है। एनीवे, गेम को स्टार्ट करते हैं, राइट। सो वाइट स्टार्ट्स द गेम विद द e4 किंग्स पॉन ओपनिंग, e5 सिमेट्रिकल डिफेंस, जस्ट नाइट f3 नाइट c6 एंड नाइट टेक्स e5 थ्योरी मूव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो तरीके से कंटिन्यू होती है गेम। गेम में चला गया d6, आइडियाज टू बैक द नाइट एंड जस्ट टेक दिस पॉन। इसको हम कहते हैं फ्रेंड्स पैटर्न ऑफ डिफेंस। बट हम यहाँ पे नाइट टू c6 भी चल सकते हैं, जिसको कहते हैं स्टैफोर्ड गैम्बिट। एंड फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिएगा स्टैफोर्ड गैम्बिट, जो कि बड़ी है एग्रेसिव गैम्बिट है ब्लैक साइड से। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, राइट। हेयर यहाँ पे चला गया d6 एंड जस्ट नाइट बैक टू f3। एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट कि इस पोजिशन पर आप इस पॉन को रिकैप्चर नहीं कर सकते, बिकॉज जस्ट क्वीन टू e2। अगर यहाँ नाइट वापस आता है जस्ट डिस्कवर चेक और ये क्वीन चली जाएगी। चलो अपने गेम पे चलते हैं। टेक्स और यहाँ पे चला गया d6, जस्ट नाइट बैक टू f3 एंड जस्ट नाइट टेक्स दिस पॉन। हेयर d4 कंट्रोलिंग द सेंटर, कॉमन थ्योरी मूव, जस्ट d5 एंड बिशप टू d3। वाइट जो है कैसलिंग की तरफ जाने वाला है, जो कि मिडिल गेम की स्टार्टिंग होती है, ओपनिंग की एंडिंग होती है, जस्ट बिशप टू e7। सो फ्रेंड्स, दिस इज अ लिटल बिट ऑफ इनएक्यूरेसी, बिकॉज बिशप टू d6 इज मोर एक्यूरेट, बिकॉज आफ्टर दैट कैसल एट सम पॉइंट बैटरी बना के क्वीन के साथ यहाँ पे थ्रेटनिंग के भी चांस होते हैं और इट्स वेरी एग्रेसिव एंड ब्यूटीफुल स्क्वेयर फॉर द बिशप। बट इन्होंने इस चीज़ को मजाक में ले लिया और गेम ने इनके दिक्कत होगी, राइट। जस्ट बिशप टू e7, जस्ट शॉर्ट कैसल और इसके बाद चला उन्होंने बिशप टू f7 f5। इसमें भी गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स चेस के प्रिंसिपल फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आप ट्रबल में आ जाओगे। प्रिंसिपल क्या है कि फर्स्ट इज सेफ्टी, आफ्टर दैट वी कैन डेवलप द पीसेस, राइट। बट यहाँ पर चला गया c4, यहाँ तक गेम बिल्कुल सही थी, राइट। और इस समय उन्होंने चला कैसलिंग और जस्ट पॉन टेक्स d5 और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। बट मुझे नहीं पता इनको, ओपोनेंट को क्या लगा इन मास्टर को कि इन्होंने क्वीन टेक्स d5 कर लिया, जो कि एक ब्लंडर था, बिकॉज ये ऐसे डबल पॉन है, इन दैट सेंस वीकनेस थी। करना क्या था, नाइट को पीछे ले जाके एक्सचेंज दिस और इस डबल पोन का हम एडवांटेज ले सकते थे, राइट। बट उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने चल दिया क्वीन टेक्स d5। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो का पॉज कीजिए और सोचिए व्हाट टू प्ले एंड विन। यस, बिशप टेक्स नाइट एंड गेम में चला गया बिशप टेक्स बिशप एंड नाउ जस्ट नाइट टू c3। एंड फ्रेंड्स, इसके बाद गेम जस्ट ओवर है। कारण क्या है, कारण ये है फ्रेंड्स, ये दोनों बिशप एक लाइन पे और इसको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आराम से। लेट अस से जस्ट क्वीन टू e6, वी कैन टेक, क्वीन टेक्स हेयर, जस्ट रुक टू द e1। और फ्रेंड्स, आप इस क्वीन को कहीं भी हटाओ, वी कैन जस्ट टेक द फ्री बिशप। एंड फ्रेंड्स, 1-2 और कंटिन्यूएशन देखते हैं। लेट अस से वो अपनी क्वीन ना मूव करता, ए ही टेक दिस नाइट टू प्ले अ काउंटर टू द क्वीन। बट ये इतना अच्छा नहीं रहेगा, जस्ट नाइट टेक्स क्वीन, बिशप टेक्स हेयर बट विद अ काउंटर चेक
इंटरमीडिएट चेक किंग हेयर वी कैन टेक दिस, और हमारे पास फ्री में पीस आ गया, राइट। सो फ्रेंड्स, इस गेम से हमें सीखने को क्या मिलता है? इस गेम से हमें सीखने को ये मिलता है कि छोटी छोटी इनएक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। फर्स्ट इनएक्यूरेसी ये थी F5 पे, और सेकंड इनएक्यूरेसी लिटिल बिट ये थी। ये तो फिर भी स्टेबलाइज कह सकते हैं, बट दिस इज़ अ बिग मिस्टेक, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।